हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए ब्लॉग में। अभी 7:40 हो रहा है और हम तो उठे हैं 6:30 बजे, लेकिन थोड़ा सा ब्लॉग बाकी रह गया था तो उसको एडिट किया हूँ। अभी एडिट करके एक्सपर्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपलोड करूँगा। बता दूँ तो अभी सुबह सुबह पता नहीं सीने में दर्द क्यों कर रहा है, दर्द कर रहा था फिर भी ब्लॉग एडिट किया हूँ। उतना ज़ोर से नहीं, फिर भी दर्द कर रहा है। तो अभी जाता हूँ, नहा लेता हूँ। नहा करके पहले तो मैं जाता हूँ दुकान से ब्रश खरीदूँगा। पास में ही दुकान है, छोटे से जगह है दुकान। पहले ब्रश लेता हूँ, उसके बाद में नहाऊँगा, उसके बाद में जो होगा देखेंगे। और आज देख रहे हैं यहाँ पे कलश है, वो अंजनी सब रेडी करके रखी है। ये कलश भरेगी ना आज, तो उसी के लिए वहाँ पे रेडी है, पूरा पूरा रेडी करके रखी है, देख रहे हैं। तो आज कलश भरेगी यहाँ, तो मंदेश्वर स्थान जाएगी कलश भरने के लिए। मतलब कलश भरने के लिए मंदेश्वर स्थान जाएगी। मंदेश्वर स्थान मंदिर जो दिखाएं आप सभी को, वहीं पे जाते हैं। फटाफट से ब्रश करते हैं। कल का सारा दिन मेरा मूड ख़राब रहा, क्या बताएं, बहुत बेकार लगता है ना। तो अभी जा रहे हैं दुकान, लेते हैं ब्रश कोलगेट। दादी ब्रश कर दे, ब्रश। ओ, ये तो बच्चा वाला ब्रश है। नहीं हो, अभी तो नहीं था। हाँ, ये बच्चा वाला ब्रश है। कोलगेट भी ले ली। तो अभी दादी चला रही है दुकान। दादी दूटा लगे जाइए। ले आओ कोलगेट एक ब्रश। तो भाई कोलगेट घर में है ही, क्लोजअप है, लेकिन मैं क्लोजअप से ही करता हूँ, लेकिन कोलगेट लिए हैं। तो देखे हैं तो अंजनी बोल रही है जो घर में है, तो ये वापस कर देता हूँ। तो अभी नहा लिए हैं, नहा के पूरा फ्रेश हो गया हूँ मैं, सब दिन की तरह नहा के फ्रेश हो गया हूँ। लेकिन कोलकाता में रहते थे तो 10 बजे 11 बजे नहा करके पूजा करते थे, हम ही पूजा करते थे, तो उतना काम मम्मी का आसान हो जाता था। तो अभी देखते हैं अंजनी क्या बनाई है खाने में। सीना में दर्द कर रहा था, अभी थोड़ा सा कमा है, सुबह सुबह बहुत दर्द कर रहा था, वो थोड़ा सा भी कमा है। देखते हैं क्या नाश्ता में बनाइए, नाश्ता करते हैं उसके बाद में जो होगा देखते हैं। अभी कितने बजे निकलेगी ये सब कलश भरने के लिए, तो दिखाएंगे आप सभी को, होगा तो दिखाएंगे आप सभी को, थोड़ा सा तो जरूर दिखाएंगे। आलू पराठा और आलू सोयाबीन की सब्जी खाते हैं, यही बनाई है। तो हेलो, मतलब कलश यात्रा शुरू हो गया है, आप लोगों को जाके दिखाता हूँ कलश यात्रा शुरू। तो अभी अंजनी सब जा रही है, तो दिखाते हैं आप सभी को। रिपोर्टर भी विश्वकर्मा पूजा का ये रिकॉर्डिंग करने के लिए। भारत में
अभी मंदसौर स्थान में पहुंच चुके हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोगों को दिखाए थे, वहीं पे अभी घेरा ले रहे हैं मंदिर का चारों साइड से, देख रहे हैं। घूमना था पांच बार, वो हो गया। पिछले ब्लॉग में आप सभी को महादेव नहीं दिखाए थे, आज दिखा दे रहा हूँ। आज दर्जा खुला हुआ है तो दिखा दे रहा हूँ आप सभी को। यही हमारे मंदसौर स्थान भोले बाबा। आज दिखा दिया आप सभी को यहाँ का भोले बाबा। यहाँ के पिछले ब्लॉग में आप सभी को नहीं देखने को मिला था, तो आज दिखा दिए। इसको तो जानते ही है, जानते ही। जा रहे हैं घर पे, पढ़ाई कर दियो। अभी बड़ा बाबा मंदिर पे आ गए हैं। यहाँ पे भी चार या पांच राउंड लगाएंगे यहाँ पे, जो सब कलश भरे हैं। उसके बाद में मंदिर पे जाएंगे, गांव के मंदिर जो है विश्वकर्मा मंदिर पे। अभी आए हैं वो बाबा, मतलब ब्रह्म बाबा के स्थान से आए हैं अभी, और अन्य लोग अभी जा ही रही है। अभी कलश वहाँ पे भी बहुत ये है, तो मेरा पैर सब दर्द करने लगा है। और ये मुझे यहाँ से बुला ली, भैया आ जाइए। कोमल इमें लगाइए ना, इमें नहीं लगाएंगे, मारेगी तुम मुझे, तुम्हारे भैया नहीं होंगे, हम वीडियो में नहीं लेंगे तुमको, वीडियो में नहीं आने देंगे, मारेगी तो। बोलो कैसे हैं दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों, कैसे हैं, वीडियो अच्छा लगा हो, ये बोल रही है। ठीक है, बहुत बुद्धि है इसको, बहुत बुद्धि है ये। ऐसा ऐसा बात कब बोलने लगती है ना, माथा खराब हो जाएगा आपको सुन के। बहुत अच्छा बात बोलती है। तो भी गाड़ी धोकर के आ रहा हूँ, अपना पल्सर 220 धो के आ रहा हूँ, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा है तो गाड़ी धोना तो बनता है। अपना पल्सर 220 इतना हर समय में साथ देता है, और अभी फिलहाल ज़्यादा ही देता है, अभी इस समय में बहुत ज़्यादा ही देता है। खाता हूँ, अभी धोए हैं। पंप का तो पाइप इतना दूर नहीं आएगा, फिर भी बाल्टी से धोए हैं, बाल्टी लेकर के धोए हैं। बादशाह भाई जैसा धोता था वैसा तो नहीं धो पाऊँगा, बट धोया हूँ सही, तो दिखाता हूँ आप सभी को। बादशाह भाई तो अभी मुंबई में ऐस कर रहा है, काम कर रहा है, दिखाता हूँ। ये धोया हूँ अभी अपने पल्सर 220 को। भागले तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे बैठा हूँ, जो बाथरूम का टंकी बना हुआ है उसके ऊपर मैं लैपटॉप लेकर के, और सामने इसको ये सब जुगाड़ फिट किया हूँ वहाँ से, उस बल्ब में से लाइट जोड़ करके, वायर जोड़ करके यहाँ पे लाया हूँ। यहाँ पे फैन भी चल रहा है अगर गर्मी लगेगा तो, हवा लेने के लिए। मैं यहाँ पे लैपटॉप लेके बैठा हूँ, लैपटॉप में कुछ काम है तो वही कर रहा हूँ। और मैंने क्या बताऊँ, ये पूजा होने के बाद मैंने मम्मी गाड़ी का पूजा करने के बाद की, उसके बाद हम सो गए, सो करके शाम में उठे तकरीबन चार या पाँच बजे। तो घर में नेट नहीं काम करता है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ करके अपना चार्जर जो ये किया हूँ, यहाँ पे BSNL का मस्त काम करता है। और अभी बहुत आवाज़ हो रहा है ना, इसलिए इस बीच में मैं थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर ले रहा हूँ, बता दे रहा हूँ आप सभी को। देखिए शुरू हो गया, तो अभी शुरू हो गया था, देखें तो अभी थोड़ा सा बंद हुआ है। तो मतलब अभी BSNL का ना बहुत मस्त काम करता है यहाँ पे, तो जियो का तो ब्लॉग अपलोड करने में ही चला जाता है, तो BSNL में 2 GB पर डे देता है,
तो इसलिए यहाँ पे लगा करके अपना जो जो देखना होता है वो देखता हूँ। तो मैं लोग अभी फिलहाल घर में आ चुका हूँ और 8:30 हो रहा है अभी। और घर में आने से जैसे ही बोर्ड जैसे ही बोर्ड में चार्जर लगाया ना, ये बोर्ड बाहर आ गया। ये भी मतलब पुराना हो चुका है ना बोर्ड, 6-7 साल का बोर्ड है ये, तो सड़ चुका है। पीछे वाला लकड़ी जो है ना, पीछे वाला लकड़ी ये पूरा गल चुका है, सड़ चुका है। तो इसमें कील जो मारेंगे तो कील वाला मारने वाला जगह है ही नहीं, पूरा फट चुका है। तो कैसे भी करके ईटा तो पहले भी था लेकिन उसको सही से लगाए हैं, उसके नीचे में पेच दिए हैं, अंदर में नीचे में जो दिख रहे हैं वो सब ये सब पेच है, तो ये लगाए। नहीं तो इसी चार्जर लगा के खींचेंगे कि वो भी साथ में बाहर आ जाता था, तो वो भी साथ में बाहर आ गया था। ये मूड ख़राब कर दिया था आने से कि टैंक पर शूट करके घर में आए हैं, क्योंकि बाहर में बहुत आवाज़ हो रहा है ना। तो ये तो अभी शायद 2 दिन चलेगा विश्वकर्मा पूजा है, तो हर एक साल हम लोगों का मतलब पूरा धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पे। ये 2017 से शुरू किए हैं तो हर एक साल होता है, अब 2017 से शुरू हुआ है तो हर एक साल होता है। बैकग्राउंड में आवाज़ जा रहा होगा आप लोगों को, तो उसके लिए मैं भी जाता हूँ। तो 2 दिन और विश्वकर्मा पूजा खत्म हो जाएगा तब। तो आई होप आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज हमारे गाँव में विश्वकर्मा पूजा का कलश यात्रा हुआ था। जितनी भी भाग लेने वाली थी सब ली थी, उसमें अंजनी भी थी, चांदनी मेरे आंगन से 3 बहनें थी, तो तीनों ली थी। और पूरा गांव में मतलब पूरा गांव का था, जिसको मन किया अपना भाग लिया उसमें। मतलब हमारे बिहार का कल्चर और हमारे गांव का जो कल्चर है वो आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। तो ये मुझे जहाँ तक पता है कि ये कलश यात्रा शायद मैं जहाँ तक देखा नहीं हूँ, लेकिन मेरे गाँव में ही ये कलश यात्रा आरम्भ हुआ है, बट अभी तक मैं कहीं नहीं देखा हूँ जो विश्वकर्मा पूजा में भी कहीं पे ये होता है, बट मेरे गांव में 2017 से शुरू हुआ। और एक चीज़ बता दूँ तो अभी नाच होने वाला है, नाच बोले तो मतलब नाटक टाइप का जो पहले जो होता था नाटक, अभी तो ऑर्केस्ट्रा सब होने लगा है तो वो सब नहीं, नाटक जो होता था, नाटक करता है मतलब कोई रूप निभाता है कलाकार सब, वो सब एक्टिंग करेगा वही सब, तो वही होने वाला है। आई होप आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं कोई भी नया ब्लॉग अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। ऐसे ही डेली विलेज ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा इस चैनल में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, तो फिलहाल अभी ब्लॉग एडिटिंग करके फिर सोएंगे। तो फिर मिलते हैं कल एक नए अंदाज में, एक नए ब्लॉग में और नए हौसलों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। गुड नाइट, बाय।